बाबा वहाँ पे लड़के हैं। जॉब करो, क्या कर रहा है आपको, मुझे क्या है जॉब करो काम। मैं मीडिया से अबाया निकालो, क्यों निकाले अबाया, अल्लाह ताला से ज्यादा प्यार ही नहीं है मुझे, अबाया निकालू मैं अंकल अंकल यहाँ पे अबाया निकालो, मैं नहीं निकालने वाली वहाँ पे अबाया, वहाँ पे इतने लड़के हैं कॉलेज में, वहाँ पे इतनी दबदरी हो रही है, फोटो नहीं देती है ये, हमें बोल के अबाया निकालो, क्यों निकाले हम अबाया, हो जी को नहीं हमें बोलने वाले अबाया निकालो, हमारे अल्लाह का फरमान है, हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अबाया लगाओ, ये क्यों हमसे हमारा अबाया छीनेगी, वो भी अगर अबाया नहीं लगाना तो दारिस का जाओ, क्यों अबाया वाली लेके तालीम हासिल नहीं करती है। मंजूर मैं 12th क्लास से पढ़ती हूँ, विशाभारती की स्टूडेंट हूँ, हमें कल स्कूल में बोला गया कि आप अबाया निकालो, विशाभारती की स्टूडेंट हूँ, हमें कल स्कूल में बोला गया कि अबाया निकालो, हमारी प्रिंसिपल ने हमें बोला, मीम रोज मैम बोला कि आप अबाया निकालो, मुझे ऑर्डर आया कि आप अबाया मैं बच्चों को नहीं रखो, हमारा कोर्ट उसे बोला कि अबाया नहीं रखो, तो हम क्यों अबाया निकाले आपने, वो बोल रही है कि आप लोग अबाया लगाते तो मुझे बुरा लगता है आप लोगों को अबाया में देख के, वो एक मुसलमान औरत होके कह रही है कि मुझे बुरा लगता है एक लड़की को अबाया में देख कर, और बोल रही है कि आपको आने तो अबाया निकालो, अबाया के बगैर घूमो दिन भर, वहाँ पे इतने सारे लड़के कॉलेज में, इतने लड़के लड़की है वहाँ पे, इतनी बेशर्मी होती है, बेहयाई होती है, वो क्यों नहीं देखती है, वो हमारा अबाया, हमारे अबाया से उसको प्रॉब्लम है, लेकिन उस बेशर्मी से उसको प्रॉब्लम नहीं है, उस बेहयाई से उसको प्रॉब्लम नहीं है, कहती है कि नहीं अबाया नहीं लगो, समाज के साथ चले तो ये सब छोड़ो, अगर अबाया लगाना है तो दर्ज कर जाना है, यहाँ क्यों है, किसने कहा कि जो लड़की अबाया लगा दी वो तैलीम हासिल नहीं करती है, किसने कहा जो अबाया हासिल अबाया लगा दी वो कुछ नहीं पढ़ सकती, अबाया में भी पढ़ा जा सकता है, लड़की चीन भी जा सकती है पढ़ने के लिए, लेकिन अगर उसका लिबास सही हो, क्यों मैं उसकी बात को मानू, क्यों मैं मानू, हमारे फरमान था कि अबाया लगो तो क्यों मैं उसकी बात को मानू, उसके लिए अपना दीन खराब करूं, उसके लिए अपना आखिरत खराब करूं, हमारे स्कूल में तो कोई एजुकेशन भी नहीं थी, जब उसने कोई एजुकेशन की सब कुछ किया तो हमें अबाया क्यों नहीं कर सकती है, वहाँ पे इतनी इतनी भी ख्याली आती है, जब वो टॉयलेट कर सकती है तो हमारा अबाया हमारी ब्रेक काम है, और हमारे बाप को हमारी माँ को बोला जाता है कि आपकी बच्चियों ने हमें हमें बाकी बच्चियों को भी अबाया लगाना है। स्कूल कौन सा है, इससे पहले आपको अबाया अलाउड था वहाँ पर, पिछले 4 सालों से हम लोग अबाया लगा रहे हैं, लेकिन तब कुछ भी नहीं इन्होंने नहीं बोला, कल ये आ रहे हैं कि अबाया क्यों लगाया, क्या लगा, इवन मैम बोल रही है मैं जब असेंबली में घूम के देखती हूँ अबाया में, मुझे बुरा लगता है आपको वैसे देखने में, उसको क्यों बुरा लगता है, को एजुकेशन कब से स्टार्ट हुई है, हमारे स्कूल में को एजुकेशन तक नहीं थी, इसने उसके लिए इतना कुछ किया, क्यों नहीं ला सकती अबाया, ये क्यों नहीं मैनेजमेंट से ला सकती है परमिशन की हमें अबाया दो, हमारे कितने बच्चे हो, कितने हमारी बहनें यहाँ पर अबाया लगा के आती है, 14, 15। अच्छा ये आज से आपको अलाउ नहीं करते 12th क्लास में, हम लोग 9th क्लास से अबाया कंटिन्यूसली लगा रहे हैं, और आज ये लोग हमें बोल रहे हैं कि आप लोग अबाया नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते हम लोग अबाया, अबाया हमारी यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं, ये लोग बोले तो कर लो हिस्सा कर लो एड अबाया, अब गुनाह क्या है, हमें बोले कि आप लोग अबाया नहीं लगा सकते, हम लोग अबाया लगा रहे, हम लोग یم چلو مو فیفت کلاس پر آبایا فیفت کلاس پر شیشان میان نیچ که مارتی بوزیم آه چی امی سلام تاکی زیر زیاد تو چکنه یوان میچ بوزیم تنشن جان سیکن جان سیکن هکنه سار بی بای جو تکو پر ماحول خراب آبایا لابی سیمیز ماحول گموز خراب هایز آبایا لیکن چو کور اصلا خراب یوس بیت اینا لگی چون اصلا سچ اصلا اصلا تو بوزیم سی کلام نیچ کرو تیچر سا کوئی بوری آبایا نکالو آبایا کے بغیر سکول آ جاؤ اس کا مطلب ہمیں کیسے کسے بولا تھا آپ کو پرنسپل ہے سکول کی تمو ڈی سی ایکس بچس تھی نیچر سا آبایا لو نہیں کل اس میں میری مما کو کہا تھا کہ بچے کی ڈی سی دے میں آبایا لو نہیں کری اور بھی نہ کیسے مجھے ڈی سی دے سکتا ہاں ایمان بھائی مجھے ڈی سی دے مجھے آبایا یم هیچ نویم آبایا لگه انسیسیت لگ یم دی میانم نیچه تو لگو اصل تربیه چه مسلمان یه اصل مسلمانی من توی ما روز بی انتری تو دل منو اسکی کارا مگر همه اگر آرنی کار میکنیم نیبولا اگر آپ لوگوں کو آبایا ہی لگانا ہے تو آپ لوگ دارس گام ایڈمیشن کرا کیوں آپ لوگ پھر پڑھیں گے ہی نہیں جو آبایا لگاتے وہ نہیں پڑھتے اور وہ لوگ کالج جاتے ہیں تو لوگ کو پوز دیتے ہو ہم کیا دیکھا تھا وہاں جا کے وہاں کالج میں اتنے سارے لڑکے لڑکے دن بھر ایک ساتھ گھوم رہے تھے ان کا نہیں دکھتا ہے ہم لوگ چپ کر کے پڑھتے ہیں آبایا میں ہم لوگ وہ آبایا لگا رہے ہم پہ और हमें बोला अच्छा लड़के क्या करते हैं वहाँ पर वहाँ पे बहुत ज्यादा बेहयाई होती है वहाँ पे कॉलेज में लड़के लड़कियाँ घूम रहे हो नहीं दिखता है।